अभी आगामी चुनाव में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर जिला प्रशासन काम कर रही है ताकि मतदान ज्यादा से ज्यादा लोग दें? देखिए, जैसा हम लोगों का यह अनुभव रहा है कि नोएडा में खासकर और दादरी विधानसभा में, इन दो विधानसभाओं में हमारी पोलिंग थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, तो इन दोनों जगहों पर हम लोगों ने बीएलओज को के माध्यम से वोटर स्लिप, जो मतदाता पर्ची होती है, वो घर घर पहुंचाने का कार्य किया है। घर जहां जहां मतदाता पर्ची का वितरण हो रहा है उन घरों पर स्टिकर लगा रहे हैं ताकि हमारा एक डोर टू डोर सर्वे भी हो जाए। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, बूथों को अच्छा तैयार कर रहे हैं कि लोग आएँ और वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हमारे सामने, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कितना धूप हो रही है, इसके इसको देखते हुए बूथों पर हम लोगों ने प्रयास किया कि हर जगह पर शेड की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो ताकि कोई भी आए तो उसको कोई कठिनाई ना हो। तो हम लोग ध्यान तो रख रहे हैं कि कोई भी समस्या किसी वोटर को ना हो और बड़ी संख्या में लोग मतदान करें। सर, जैसे IMT जैसे कॉलेज अभी ये जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, आपके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता का क्या स्तर है, आपके उस पे क्या राय है? कॉलेजेस वगैरह को हम लोगों ने खास टारगेट किया क्योंकि यहाँ पे यंग वोटर्स हमें मिलते हैं और जो पहली बार वोटर बन रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो इनको जितने भी जगहों पर हमारे पहली बार वोटर बने हैं उन सभी लोगों को हम लोगों ने टच किया है। आज IMT कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया है। इनके माध्यम से, क्योंकि यंग हैं तो ये घर पे जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास रहने वालों को भी प्रेरित करेंगे और ये एक अच्छा मैसेंजर हमारे लिए बन सकते हैं मतदान के प्रतिशत को आगे बढ़ाने में। सर, हमारे दर्शकों के लिए, जो युवा दर्शक हैं, उनके लिए एक संदेश ताकि वो भारी से भारी मात्रा में आके मतदान दें। देखिए, ये लोकतंत्र का एक महापर्व है और इस महापर्व में हम सभी लोगों को प्रतिभाग करना चाहिए। लोकतंत्र स्थापित करने में और संविधान को बनाने में, संविधान को लागू करने में हमारे बहुत महापुरुषों ने आहुति दी है, उन्होंने कुर्बानी दी है। उनके बलिदान को हमें याद करते हुए हमें अपनी तरफ से जो हम योगदान दे सकते हैं इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में वो जरूर करना चाहिए। हमारा एक एक वोट महत्वपूर्ण है, हर एक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में, एक कदम आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। एक समानता का संदेश भी देता है ये जो मतदान होता है। आप देखिए, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो या गरीब से गरीब आदमी हो, सबके पास केवल और केवल एक वोट का अधिकार है, तो एक बहुत बड़ा समानता का संदेश देता है हमारा ये इलेक्शन। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे अपील है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करें और 26 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में निकलकर अपने नज़दीक का जो भी बूथ है उसमें मतदान करें। मतदेय स्थल पर, पोलिंग स्टेशन पर आने के पहले आप लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। हमने बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आप लोग अपना मतदाता सूची में नाम चेक कर सकते हैं। BLO घर घर जाकर पर्ची बांट रही है, तो आप अपने BLO से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी मतदाता पर्ची कलेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास EPIC कार्ड किन्हीं कारणों से अगर नहीं पहुंच पाया है, उनको 12 तरीके के पहचान पत्र के बारे में भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में दिया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट और कई तरह के दस्तावेज हैं, तो वो लेकर आप मतदान स्थल पर आएँ और मतदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।